पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर लोहराबीर स्थित आईएमए ब्लड बैंक में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में तथा उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू के संयोजन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्तदान करने को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं इस मौके पर मौजूद पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर यह शिविर आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस जन राजीव गांधी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं और इस महामारी काल में आगे आकर न सिर्फ रक्तदान कर रहे हैं बल्कि अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू ने कहा कि जनता को इस महामारी काल में रक्त की किल्लत का सामना ना करना पड़े, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। उन्होंने कहा कि हम सभी निरंतर लोगों की सेवा में जुटे हैं, आगे भी अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की मदद करेंगे। इस मौके पर मौजूद महिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष अनुराधा यादव ने कहा कि मानवता का संदेश देते हुए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काशी की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया, ऐसे में हम कांग्रेस जन आगे आए हैं और रक्त की कमी को दूर किया जा सके इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। किस तरह का नहीं, आज ये हम सबके नेता रहे आदरणीय राजीव गांधी जी की आज कल उनकी पुण्यतिथि, उसकी पूर्व संध्या पर आज किसान कांग्रेस के हमारे साथियों ने पंकज सिंह डब्लू जी के नेतृत्व में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और हमारे सभी कांग्रेस के साथी, हमारे जिला अध्यक्ष जी राजेश्वर पटेल जी, शहर अध्यक्ष राघवेंद्र जी, ओम प्रकाश जी, हमारे फसाद बाबू भाई, कब्बन भाई, सारे लोग मिलकर आज यहाँ पर आए हैं और अब रक्तदान कर रहे हैं कि राजीव गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता चले, प्रत्येक साथी चले, उसके लिए आज उत्साह की दें। इस कोरोना महामारी में भी लोग आगे निकल कर कांग्रेस के साथी रक्तदान कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि दूसरे लोग भी आकर रक्तदान करें और दूसरे लोगों की जान बचाएं। कितने लोगों का लक्ष्य है? लगभग मुझे लगता है कि 25 से 30 लोग आज रक्तदान करेंगे। लगातार रक्तदान कर रहे हैं आप लोग, इसके बाद भी आप लोगों का क्या सहयोग होगा जिस तरह से कोरोना महामारी के? नहीं, हम सब लोग लगातार, इसलिए कि इस कोरोना की महामारी में लोग रक्तदान करने से घबरा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हम लोग लगातार, ये हम लोगों का चौथा रक्तदान शिविर है। मैंने अपने साल की जो वर्षगांठ है शादी की, वो भी रक्तदान, हमारी पत्नी ने उस दिन भी रक्तदान किया था। हम सब लोग निकल कर काम कर रहे हैं और ये कि कोरोना की महामारी में रक्त के बगैर, प्लाज्मा के बगैर कोई आदमी न मरे, ये हम सब कांग्रेस के लोगों ने ये जिम्मा उठाया है, बीड़ा उठाया है, ऐसे भरपूर प्रयास करके हम सब लोग आईएमए के अंदर ये इसको पूरा कर रहे हैं। आगे क्या योजना होगी जिस तरह से लोग परेशान है कोरोना से? अब हम लोग जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, कांग्रेस का एक एक सिपाही, एक एक साथी, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए हो, दवा के लिए हो, बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, हम सब लोग काम कर रहे हैं और ये लगातार आगे भी जिस परिस्थिति में भी लोग हमें खोजेंगे, काशी के लोग, हम उनके साथ खड़े हैं क्योंकि हमारा जन्म स्थान, कर्म स्थान सब बनारस है। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पे हम लोग पूर्व विधायक श्री अजय राय जी के नेतृत्व में यहाँ पे ब्लड डोनेट का कार्य कर रहे हैं जो कि आम जनता के लिए है और हम लोग का यही दुआ आशीर्वाद है कि जो भी इस ब्लड के उपयोग होगा उस आदमी को, असहाय आदमी को यहाँ से ब्लड की उपलब्ध व्यवस्था की जाए और हम लोग आगे इस तरह का कार्य करते रहेंगे। विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग गार्जियन है, वो जैसा वो निर्देश देंगे हम लोग आगे करते रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद। रक्तदान शिविर लगाया गया है, क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक मानवता का संदेश है और वर्तमान में जो बनारस की स्थिति जो चल रही है, आज दुर्व्यवस्थाएं, आज हमें बेसहारा काशी के लोगों को छोड़ दिया गया और आज भगवान के भरोसे, और आप देख रहे होंगे कि कुछ सांसद, कुछ लोग जो है हनुमान चालीसा और पूजा पाठ के भरोसे छोड़ रहे हैं, लेकिन जो मेडिकल हॉस्पिटल और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सच्चाई ये है कि बिल्कुल भी नहीं है।
आए दिन लोग ऑक्सीजन की कमी से बेड नहीं मिल रहा, सुविधाएं नहीं मिल रही, दवाइयां नहीं मिल रही, जिस तरह से काशी में चिताएं धधक रही थी ये देख करके पूरी आत्मा कांप गई। आज हम लोग मानवता के कारण ही यहाँ पे आ करके अपना रक्तदान जो है दे रहे हैं, ताकि रक्त की कमी से किसी की मृत्यु ना हो, कोई भाई ना कोई बहन है, किसी का बच्चा किसी का बेटा ना मरे।